यहां पे फिशरीज के बारे में आपसे बताता चलूं, फिशरीज डिपार्टमेंट टूरिज्म की रीढ़ की हड्डी की मानत है और बदकिस्मती का मकाम है कि फिशरीज के अंदर स्कोप बहुत था मगर हमारे जो मुलाजमीन हैं डीपीसी काफी सालों से नहीं होने जा रही है जबकि डीबीसी के लिए 6-6 महीने हैं। मगर मैं यहां पे एक बात लेते चलूं, यहां पे हाल ही में एक आदमी एक एलिमेंट जो डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज एंटी एक्टिविटीज करने जा रहा है और उसने कहा है कि आईएएस या केएस अफसर को लाया जाए। यहां पे टेक्निकल जो है जो हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है और हमारे जो भी डायरेक्टर साहिबान ज्वाइंट डायरेक्टर साहिबान जितने भी अच्छे काम अंजाम दे रहे हैं यहां पे कैजुअल लेबर मैन पावर जो है हमारा यहां पे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है। कश्मीर के अंदर खास करके कठुआ के अंदर सांबा के अंदर फिर भी इंडस्ट्रियां काम कर रही हैं मगर कश्मीर के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं है। हमने इन लोगों को नहीं लगाया है मगर मैन पावर की जरूरत है और इनको साल में एक बार तनख्वाह दी जाती है। मैं विनती करूंगा आपकी वसादत से यहां के आनरेबल गवर्नर साहब से कि इनका मसला जल्द अज जल्द हल किया जाए। मिनरल डिपार्टमेंट जो है जॉलजी माइनिंग का हमारी जो मैं आपकी वसादत से यहां पे टेंडर हो गए रेत सेंट बाजरी के मगर हमारे जो फिश है ये एग जो है ये अंडे रेत के नीचे दिए जाते हैं और जगह जगह मिनरल वालों ने कभी हमें नहीं पूछा और उनने टेंडर कर दिए जो करोड़ों रुपए के टेंडर हो चुके हैं। मैं इससे आपकी वसादत से ऑनरेबल गवर्नर ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक पहुंचाऊं ये बात कि फिशरीज डिपार्टमेंट से खत्म होने जा रहा है। जेहलम के अंदर बहुत सारी जगहों पर टेंडर होने जा रहे हैं, हमसे फिशरीज डिपार्टमेंट से कोई NOC नहीं ली गई है। आपकी वसादत से ये कहने जाऊं कि फिशरीज डिपार्टमेंट एक छोटा डिपार्टमेंट है और यहां पे हमारे 2.5 दिन की जब फॉरेस्ट फिशरीज और वाइल्ड लाइफ एक ही डिपार्टमेंट था 82 में अलग अलग डिपार्टमेंट हुए और उसके बाद आज तक इस डिपार्टमेंट की तफावत जो थी आज तक दूर नहीं हुई। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल बाला हुकाम तक ये बात पहुंचाना चाहूं कि इनका जो पे तफावत का मसला है हमारा वो हल करवाया जाए। तो जो भी इस चेयर पे बैठता है और वो अपने भूल बाला कहता है ये ना होना चाहिए।